हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ दिल्ली का ड्राइवर और आज निकल गया हूँ मैं सुबह सुबह काम पे और टाइम हो रहा है तकरीबन 10। तो एक अर्जेंट का चक्कर आ गया था, तो रात फोन आया तो मैंने कहा चलो सुबह ही सुबह इस काम को अंजाम दे देता हूँ। और अभी मैंने नाश्ता नहीं करा है, बगैर नाश्ते के मैं आ गया। मेरी वाइफ सो रही थी तो मैंने सोचा चलो नहार मुँह निकल जाता हूँ, बाहर कुछ खा लूँगा। तो मैंने अपने दोस्त को बुला लिया था, अमान को, दो गाड़ियों का चक्कर था तो मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा चलो हम दोनों साथ में चल रहे हैं, ओखला जाना था और मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आएगा तो उसके साथ में माल रख के हम चले जाएंगे ओखला। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार, उसको बुलाया तो उसी से क्यों ना बिरयानी खा लूँ, बिरयानी का नाश्ता हो जाएगा सुबह सुबह, दिन बच जाएगा और क्या है। तो मैं अभी फ़िलहाल उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और देखता हूँ मुझे बिरयानी खिलाता है नहीं खिलाता है, और क्या कहता हूँ उसके क्या रिएक्शन होंगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा दोस्त अमान आ गया है और मैंने उसे आज 9 बजे फ़ोन करा है। तो ये जल्दी, महाराज ये उठते नहीं है जल्दी, इनका टाइम है उठने का तकरीबन 12 बजे 11:30 बजे ऐसे बंदा उठता है। तो मैंने कहा चलो काम आया हुआ है, काम करके अंजाम दे लेते, जल्दी घर चले जाएंगे। तो ये भाई साहब आ गए, तो अमन भाई आज बिरयानी खिलवा दो, बहुत दिन हो गए तुम्हें बिरयानी खिलाए हुए। भाई यार ना तो सुबह सुबह मैं खाता ना खिलाता। तो यार ऐसा क्यों कह रहे हो यार, कोई बात नहीं, सुबह सुबह एक तो हज़म नहीं होती यार बिरयानी मेरे। यार मुझे तो हज़म हो जाती, मुझे तो खिलाता नहीं हूँ ना। क्यों ना भाई यार, ये कोई बात थोड़ी होती है, सारा खुद तो खिलाते नहीं हो तुम हैं। यार मैं खिला देता हूँ, जब मर्जी खा लूँ मुझसे। हर ये भाइयों हर किसी के ऊपर हाथ रख देते हैं, जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो बेचारा खिला ही देता है, ठीक है, खुद खिलाते नहीं है। कल भी कम से कम 25 गोलगप्पे खाए, पता नहीं शरीर पे लगता ही नहीं है साला। ये तो देखो शरीर, देखो शरीर लंबा पड़ता जा रहा है, मोटा नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना है यार, जो आदमी की कैपेसिटी हो तो खाएगा, लगे ना लगे खाने ये तो भाई मतलब ये पेट नहीं कुआ है, इंदे बच के रहना। और जो दही जलेबी, हाँ भाई रात इन्होंने हमें दही जलेबी खिला दी, गोलगप्पे खिला दिए और पापड़ और क्या खाया था हमने, लड्डू और रात बोला बहुत सारी चीजें खाई थी हमने। वो हमें हजम नहीं हुआ ही ना, हजम हो गया हमने सुबह उल्टी कर आया हम। तो यार ये तो गलत बात है, बिरयानी खिलवा दो, सुबह सुबह का नाश्ता बढ़िया हो जाएगा। जल्दी पहुंचो, जल्दी उसका माल उतारो भाई साहब, ना मैं खिलाता ना खाता सुबह। देखो ओखला में तो मुझे पता नहीं खाना कहाँ सही मिलता है, मुझे तो ये बता अगर बिरयानी बहुत जबरदस्त बनाता है, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खिला लो, ज्यादा नहीं, एक आधा किलो ले लो, आधा किलो में दोनों खा लेंगे। आज भाई साहब खिला रहे हैं दोस्तों, चलो आज हम खाने जा रहे हैं अकरम बिरयानी वाले की बिरयानी, वो बहुत ज़बरदस्त होती है सुबह सुबह। मैं आप लोग को दिखाता हूँ बिरयानी कैसे खाई जाएगी। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अकरम बिरयानी वालों के पास और यहाँ मिलेगी गर्मा गर्म बिरयानी और बेहतरीन, और मैं लेके जाऊँगा। और ये रही बिरयानी की देख। तो दोस्तों मैं ले आया हूँ बिरयानी और ये देखो कैसे भर रहा है। अभी मना कर रहा था ये कि जो है मैं सुबह ना कुछ खाता ना मैं कि खिलाता। आज भाई जरा आपने खिलाई है, मजा आ गया भाई साहब। मैं ले आया हूँ तो कह रहा हाँ भाई बिरयानी बहुत अच्छी है। और ये रही बिरयानी और ये खा के हम जाएंगे ओखला। हमारे पास गाड़ी में माल लोड है और लेके जा रहे हैं हम ओखला। पार्टी है मेरी, वो सुबह ही सुबह फोन कर देती 8 बजे 9 बजे, तो मैंने तो चलो आज नहा लूं, गलती करी। ये 150 की बिरयानी लेकर आया हूँ, आधी ये खाएगा आधी मैं खाऊंगा, हो जाएगा काम। उसके बाद दोपहर का नाश्ता, दोपहर का खाना खाएंगे। भाई देखो कैसे चम्मच चल रहे हैं इस बंदे के। बिरयानी इसकी अच्छी होती है वैसे, राशिद की बिरयानी अच्छी होती है, अच्छी लगती है। राशिद की भी होती है। मुझे तो यार राशिद की बिरयानी अच्छी लगती है, क्योंकि जो है ना ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा सा जो है ना, नहीं फर्क है, फर्क ये है कि जो है थोड़ा सा वो हमारे घर के पास ही पड़ता है, बिरयानी भी अच्छी होती है, मैंने देखा है खाई है उसकी बिरयानी, रमजानों में बड़ी खपत होती है। अब वो पहले ही अकरम भाई वाली बात नहीं रहेगी, जो पहले बिरयानी मिलती थी ना अकरम बिरयानी वाले नाम, अब वो बात नहीं रही। रोटी बड़ी टाइट है, रोटी गली नहीं है, मजा नहीं आ रहा। चावल चावल खाओ, रोटी छोड़ दो और क्या होगा इससे ज्यादा, जो गली हो तो खा लो, जो गल गई वो खा लो। आओ दोस्तों खा लो बिरयानी, भाई नौ नौशाद, भाई भाई पंकज, भाई चांद, भाई मेरी सबको, इनका गांधी लेटा हुआ है, ये घर पे अपने वाले सो रहे हैं, तीनों के तीनों, तीनों ही सो रहे होंगे वो। नहीं भाई नौशाद सामने आओ थोड़ा सा, भाई नौशाद कुछ हॉस्पिटल में, नौशाद भाई हॉस्पिटल में होंगे। हाँ वो बंदा यार सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, जो बात है 7 बजे सुबह उठता है
और 8 बजे अपना विजिट कर देता है ऑफिस के अंदर। हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा जल्दी उठने वाला वही बंदा है, वरना हमारी तो धूप लगती है 10 बजे 11 बजे के बाद, क्योंकि जब बहुत ज्यादा पर्सनली इमरजेंसी काम आ जाएगा तब उठेंगे, वरना इतनी जल्दी उठने वाले में से नहीं है। चलिए दोस्तों बिरयानी खा के और सीधा ओखला के लिए निकलते हैं। तो हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए ओखला और हम माल लिया है। माल लेकर आना था सुबह सुबह, आंखों में नींद भरी हुई है पर काम भी ज़रूरी है। तो मैंने जैसे कि इन भाइयों को बिरयानी खिला दी सुबह सुबह, और इन्हीं ने भाई साहब ने हमें चाय पिलाई है। चाय पीने के बाद थोड़ी जिस्म में एक्टिविटी आई है अब, और यहाँ से हम निकल जाएंगे सवारी के लिए। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि सवारी हमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, सीलमपुर, भजनपुरा, खजूरी, इन सब की ही सवारी मिलेगी इस टाइम पर, क्योंकि सुबह का टाइम है, अच्छी सवारी मिल जाती है। तो अमन भाई चाय कैसी है? मस्त, एकदम बढ़िया हो रही है चाय। और कल सुबह भी हमें आना है, कल सुबह के भी एक चक्कर है। तो कोई नहीं, कल सुबह भी चाय पिला देंगे तुम्हें, तुम बिरयानी खिला। कल बिरयानी तुम खिलाओगे? हाँ तो जाने पहले, हाँ चक्कर आएगा, कल बिरयानी तुम खिलाओगे। तो दोस्तों यहाँ से हम निकलते हैं और चाय पी के सवारी ढूंढते हैं, सवारी कहाँ की मिलती है कहाँ की नहीं मिलती है।